कॉरपोरेट नीरा राडिया का केस तो आपको याद ही होगा। 2009 के आसपास उनके फोन की टैपिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू की थी। फिर 2010 में आउटलुक मैगजीन ने सबसे पहले राडिया के 140 टेप पब्लिक किए, जिससे खलबली मच गई। उन टेप में टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा समेत तमाम राजनेताओं और कई बड़े पत्रकारों से हुई उनकी बातचीत थी। इसमें वो 2G स्पेक्ट्रम से लेकर कैबिनेट फेरबदल तक से जुड़ी हुई बातें कर रहे थे। यह किस्सा हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि फोन टेपिंग की जब जब बात होगी, नीरा राडिया टेप केस का जिक्र जरूर होगा। और 2020 में मोदी सरकार पर भी भारत में कुछ चर्चित और महत्वपूर्ण लोगों के फोन पेगासस मैलवेयर के जरिए टेप कराने के आरोप लगे हैं। तो क्या ऐसे किसी का फोन टेप किया जा सकता है? नागरिकों के पास राइट टू प्राइवेसी है, बावजूद इसके सरकारें क्या उनका फोन टेप करा सकती हैं? फोन टेपिंग को लेकर या किसी सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराने को लेकर क्या कोई कानून है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोन टेपिंग को लेकर। आप अपने मोबाइल में पैटर्न या डिजिटल वाला लॉक जरूर लगाकर रखते होंगे ताकि कोई अनजान आदमी आपके मोबाइल खोलकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मोबाइल से ना निकाल सके। मगर क्या आपको यकीन होगा अगर मैं कहूं कि आपके फोन की हर एक फाइल को कोई किसी कंप्यूटर पर खोलकर देख सकता है, हर फोन कॉल को सुन सकता है, मैसेज पढ़ सकता है, फोटो वीडियो देख सकता है? नहीं ना। अब आप कहेंगे कि आपके पास तो प्राइवेसी का अधिकार है। सही बात है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी और उसके हितों से ऊपर नहीं है, इसलिए विशेष परिस्थितियों में फोन टैप कराया जा सकता है। हाँ, मगर इतना जरूर है कि जो एजेंसी फोन टैप करना चाहती है उसे ऐसा करने का बकायदा स्पष्ट कारण देना होगा, और जिसका फोन टैप किया जाना है उसके राज्य के होम सेक्रेटरी से इस बात की परमिशन लेनी होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इंडियन टेलीग्राफी एक्ट 1885 की धारा 52 के तहत टेलीफोन को इंटरसेप्ट करने का भी अधिकार है। फोन टैपिंग की इजाजत 60 दिनों के लिए दी जाती है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 180 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो क्या होगा अगर बिना परमिशन के किसी का फोन टैप किया जाए? तो ऐसी स्थिति में जो विक्टिम है वो मानव अधिकार आयोग में जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है और थाने में भी इसकी FIR करा सकता है। साथ ही विक्टिम इंडियन टेलीग्राफी एक्ट की धारा 26B के तहत कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है, और अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब आपके मन में यह ख्याल भी आ सकता है कि प्राइवेसी का अधिकार फोन टैपिंग को रोक नहीं सकता। मामला थोड़ा पेचीदा है, तो इस बारे में हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और हमारे एक्सपर्ट वीरा गुप्ता से पूछा। प्राइवेसी का जो अधिकार है उसकी मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत पुट्टस्वामी मामले में दिया है, जिसका फैसला 2017 में आया था, लेकिन उसके हिसाब से संसद ने अभी कानून नहीं बनाया है और उस कानून बनने की प्रक्रिया चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अगर देखें तो कोई भी जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इंक्लूडिंग प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी के ऊपर जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले हैं या पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा मसला है वो बड़ा बन जाता है, और उसी के साथ सरकार को अधिकार है कि वो देश हित में, पब्लिक सेफ्टी के हित में या बड़े मुद्दों पर वो लोगों के टेलीफोन को टैप कर सके, लेकिन किसी भी हालत में इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के लिए नहीं किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सरकारी एजेंसी हैं जो आपका फोन टैप कर सकती हैं। 19 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि देश में 10 एजेंसियां ऐसी हैं जो फोन टैप कर सकती हैं। हालांकि
ऐसा करने के लिए इन एजेंसियों को सेंट्रल होम सेक्रेटरी की मंजूरी लेनी होगी, केंद्र सरकार के मामले में सेंट्रल होम सेक्रेटरी की और राज्य सरकार के मामले में संबंधित राज्य सरकार के होम सेक्रेटरी से अनुमति लेनी होती है। तो जो ये 10 एजेंसियां फोन टैप कर सकती हैं वो हैं आईबी यानी कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए, रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डीएसआई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और डीपीसी यानी कि डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी। तो यह 10 एजेंसियां आपके फोन टैप कर सकती हैं। और अब हम जैसे जैसे डिजिटल जमाने की ओर बढ़ रहे हैं और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो इस कारण निजी कंपनियां भी लोगों के फोन टैप करके जासूसी करने लगी हैं, जैसे पेगासस। तो डिजिटल जासूसी को कैसे रोका जाए और क्या इन नियमों में कई तरह के संशोधन की जरूरत है, इस बारे में विराग गुप्ता क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये बहुत ही रोचक समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है और जो कानून है, कानून बनने की प्रक्रिया कछुए की तरह चलती है, जबकि इनोवेशन और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वो खरगोश की तरह जो है छलांग मारती है। इसीलिए जो हमारे अभी टेलीफोन के कानून है वो अभी भी अंग्रेजों के जमाने के सन 1885 के टेलीग्राफ एक्ट से संचालित हो रहे हैं। संसद में भी कानून मंत्री ने भी बोला और जो आईटी मिनिस्टर, दोनों ने भी बोला इनमें बदलाव की जरूरत है, लेकिन जो संसदीय प्रक्रिया है वो स्वाभाविक तौर पे सुस्त है और टेक्नोलॉजी बढ़ने की प्रक्रिया, हर 6 महीने में मोबाइल का एक नया मॉडल आ जाता है लेकिन कानून हमारे नहीं बदलते हैं। इसको 3 तरीके से देखें कि जो पुराने जो हमारे टेलीफोन फिक्स टेलीफोन थे उसमें जासूसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल मामले में एक फैसला दिया था जिसके तहत एक सख्त प्रक्रिया बनी थी और उसमें होम सेक्रेटरी को उसमें जवाबदेह बनाया गया था और रिव्यू के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का प्रस्ताव था। लेकिन 1995 के बाद जब से मोबाइल फोन आए हैं तो पुरानी कानूनी प्रक्रिया लगभग ध्वस्त हो गई है। अब मोबाइल फोन के नए जमाने में सरकारों से ज्यादा निजी कंपनियां हमारी जासूसी कर रही हैं और उनको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब जहां तक सरकारों की बात है तो सरकार ने अभी 2 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 एजेंसियों को डिजिटल जासूसी के लिए अधिकृत किया। जो ये जासूसी का विषय है ये अगर इसको हम देखें तो कानून और व्यवस्था से जुड़ा है जिसके लिए संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सरकारों का अधिकार है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये सारे लोग अब जो नए जमाने में डिजिटल जासूसी कर रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए अभी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं बनी। अधिकार सरकार के पास टेलीग्राफ एक्ट से भी है, उसके अलावा उनके पास जो आईटी एक्ट है उससे भी अधिकार हासिल हो गए हैं, लेकिन सिस्टम की जवाबदेही नहीं बनी है। इसीलिए पिरासत जैसे मामले होते रहे हैं और जासूसी को जो उसके सबूत हासिल करना या उसके खिलाफ हमको कोई प्रमाण हासिल करना मुश्किल है, इसलिए कोई रेमेडी इसके खिलाफ नहीं है। तो प्रवेशी भंग हुई, गलत तरीके से टेलीफोन टैप किया, हर जाना मिलना चाहिए, इन सारे विषयों पर भारत में अभी कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से पुष्ट नहीं है। तो ये थे विराग गुप्ता, जिनसे हमने फोन टैपिंग और डिजिटल जासूसी को रोकने जैसे तमाम बातों के कानूनी दाव पेच को जाना। तो आप अपने फोन में चाहे जितना भी टफ पैटर्न लॉक लगा लीजिए, मगर जब राष्ट्र सुरक्षा की बात होगी तो आपका फोन टैप किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि फोन टैपिंग और डिजिटल जासूसी से जुड़ी आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी जरूर हुई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपडेट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।